अब मुझे बताइए, जो लोग कहते कि भाई हम तो अखबारी हैं, अच्छा अखबारी उसूली ये एक खेल है, अखबारी उलमा थे हमारे, मुकद्दस उलमा थे, अखबारी बनना है खुद बनो अखबारी, अखबारी बनना है बिल्कुल बनिए अखबारी। ये अखबारी का मतलब क्या है? अखबारी का मतलब ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़नी मुझे। अखबारी किसको कहते हैं? साहिब हदायक, शेख यूसुफ बहरानी, ये थे अखबारी। कैसे अखबारी? शेख यूसुफ बहरानी साहिब हदायक नाज़रा, दर्स खारिज इनका 25 वॉल्यूम्स के ऊपर इनका दर्स खारिज है, जाए अखबारी उसको पढ़े। भाई आप कहते ना, मैं हम ये मुकल्लिद वकल्लिद नहीं, हम किसी हम उसूली नहीं हैं, मगर अखबारी उसूली नहीं थे? किसने कहा कि अखबारी उसूली नहीं थे? किसने कहा अखबारी उसूली नहीं थे? थे अखबारी उसूल, उनके उसूल थे, कवानीन थे, चंद चीज़ों में इख्तिलाफ था उसूली फोकहा और अखबारी फोकहा के दरमियान। किसी ने आपको पाबंद नहीं करार दिया, तवज्जो करें जुमला दे रहा हूँ, किसी ने आपको पाबंद नहीं करार दिया कि आप तकलीद करें, न किसी फकी ने वाजिब करार दिया कि आप तकलीद करें, किसी फकी ने वाजिब नहीं करार दिया तकलीद करें। कभी तो मौलाना आपने अकल से साबित किया तकलीद को, नहीं किसी फकी ने नहीं वाजिब करार दिया। आप खुद मुज्तहिद बन जाइए, आप खुद मुज्तहिद बन जाइए, आप खुश हो जाएं, मुज्तहिद बनने के बाद खुश हो जाएं कि अब मुझ पर तकलीद हराम हो गई शरी लिहाज से, खुश हों, जश्न रखें कि अब खुदा ने मुझे इजाज़त दी है कि तकलीद हराम हो चुकी है मुझ पर। कब? जब खुद मुज्तहिद बन जाए। साहिब हदायक, इतना बड़ा फकीह कि उसूली उनकी किताब हदायक से इस्तेफादा करते हैं, उनकी दलीलों से इस्तेफादा करते हैं, अपने दरस खारिज में उनको लेकर आते हैं, उनकी अंसार को, उनकी उनके नज़रिए को। हो अगर आपको अखबारी बनना है तो कम अज़ कम साहिब हदायक तक पहुँचिए। आप ये कौन सा अखबारी है? या तो नमाज ही नहीं पढ़ना, रोज़ा नहीं रखना, हज नहीं करना, या नहीं इतनी बेदीनी नहीं है, इतनी लादीनी नहीं है, लेकिन हम अखबारी, हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे, खूब ना करें तकलीद। फिर आप के इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करता हूँ कि आप बनिए मुज्तहिद, आप अपने अंदर उन सलाहियतों को ईजाद करें कि कुरान और हदीस से, किसे? कुरान और हदीस से, कुरान और हदीस के ट्रांसलेशन से नहीं। तो जो करें दो चीजों के दरमियान फर्क, कुरान और हदीस से, कुरान और हदीस के तर्जुमे से नहीं। ये आज सबसे बड़ी आफत हमारे माशरे में, मल्ला यासरुल फकी का उर्दू में तर्जुमा हो गया। माजरत के साथ चले, मैं नहीं मुहावरा इस्तेमाल करता हूँ, वो गंजी और नाखून वाला मैं मुहावरा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। चले क्या जरूरत है? मल्ला यासरुल फकी वसाइलु शिया का उर्दू में तर्जुमा हो गया। अगर आप फकीह हैं तो आपको तर्जुमे की जरूरत नहीं है, और अगर आप फकीह नहीं हैं तो वसाइलु शिया आपके काम की नहीं है, आपके काम की नहीं है। इसलिए नहीं, इसलिए कि हम एलिजिबल नहीं है, अहल नहीं है। क्या आपकी खिदमत में बयान करूंगा मैं? इश्तिहाद क्या चीज है? खेल नहीं है इश्तिहाद। साहिब हदायक थे अखबारी, और ये जो कहते हैं कि उसूली और अखबारी, जाके पहले अखबारियों की तारीख पढ़ें, लोगों के शियार, लोगों के स्लोगन, लोगों के नारों की जद में ना आए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम चलते हैं फेसबुक के नारों पर, यूट्यूब के नारों पर, रोड और रास्तों के नारों पर हम अपना दीन बनाते हैं। हम सब का सब यही हाल है, हम सब के सब का यही हाल है।